हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस ये व्लॉग होने वाला है नंदो के बर्थडे का। तो अभी आप आगे देखोगे कि नंदो का सबसे पहले जो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था स्कूल में, उसकी फ्रेंडों ने किया था। तो एक मिनट गाइस, कॉल आ गई। हाँ, तो नंदो का सेलिब्रेट किस इनकी फ्रेंडों ने किया था, कैसे किया था, ये आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये किया था उन्होंने बर्थडे से एक दिन पहले, तो क्योंकि स्कूल में तो बर्थडे वाले दिन जाती नहीं, छुट्टी करी थी उसने। तो संडे का था वैसे तेरा बर्थडे? हाँ संडे का था, वैसे एक दिन पहले किया था स्कूल में। तो देखो फटाफट, आज नंदी का बर्थडे है और आज हम जल्दी आ गए। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ प्लानिंग कर रहे हैं। कोई भी नहीं आया क्लास में, अभी डेकोरेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आई थी। हाँ दूसरी बार हम दोनों। यस गाइस मिलते हैं। गाइस हम वो सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। पहले वो कर रहे हैं, बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया ना। मेरी दोस्त का बर्थडे। अरे चुप चुप चुप, सभी चिल्ला लो। आपने देख लिया, स्कूल में इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था और मेरे को तो देख के इतना अच्छा लग रहा है। और अभी नंदनी बताई कि नंदनी को कैसा लगा था। और अभी इसके बाद देखोगे आप जो हमने रात को इसका बर्थडे, मतलब इसको बर्थडे सरप्राइज दिया था, रात को 12 बजे से केक कट करा था। तो नंदो अपनी फ्रेंड के लिए कुछ बोल दे, उन्होंने इतना अच्छा बर्थडे बनाया तेरा स्कूल में। थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छे बर्थडे बनाने के लिए। और वो तो 2 दिन पहले का आया, शुक्रवार का, और संडे का मेरा बर्थडे था। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ क्योंकि पेपर चल रहे थे तो इस वजह से शुक्रवार का पेपर था क्या? हाँ शुक्रवार का पेपर था। और हमारे स्कूल में किसी को पता भी नहीं है मैम को कि हमने बर्थडे बना दिया। हाँ अगर व्लॉग देखेंगी तो बोलेंगी अच्छा स्कूल में फोन कॉल लाया था, स्कूल में बर्थडे कैसे बनाया था। बट ये लास्ट ईयर है ना इनकी, 12th अब निकल जाएंगी, तो बर्थडे की मेमोरी अच्छी बन गई, इसलिए मैंने व्लॉग में भी डाल दिया है। और अगर टीचर्स देख रहे तो आई एम सॉरी, वो इसको सरप्राइज था, वो इसे भी नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। वो तो हाँ। वीडियो बन गई तो मैंने व्लॉग में डाल दिया। और बाकी अब आप आगे का बर्थडे देखो। थैंक यू। हेलो आवाज भी नहीं निकल रही बिल्कुल। हेलो गाइस, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो वैसे मेरा गला बैठ रहा है, ऊपर से आवाज़ निकल रही थी। और इतना भी बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं कितनी तेज बोल रही हूँ, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं, बज गए 12 बजने में 2 मिनट है, 2 मिनट है अगर आपको दिख रहा होगा
तो क्योंकि अभी फ्रंट कैमरा ना तो उल्टा दिख रहा होगा। 58 मिनट हो गया, 11 बज के, तो 2 मिनट बाद नंदनी का बर्थडे है और सब सो रहे हैं। आपको दिखाऊं क्या, नीचे सो रहे हैं नंदनी, खुशी, मम्मी, और ऊपर सो रहे हैं प्रिंस और शिवम, और बाहर सो रहे हैं पापा। तो अभी मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती क्योंकि अभी मैं नंदनी खुशी मतलब नंदनी का केक कट कराऊँगी और उसे पता नहीं है, तो मैं केक लेके आती हूँ। और 12 बजे में भी 1 मिनट बचा है और मैं केक कट कराती हूँ। तो गाइस 12 बज चुके हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, 12 बज गए। मैं नंदनी को हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ और एक प्रूफ है कि सबसे पहले बर्थडे विश मैंने किया है। नंदो नंदो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। शकल देख अपनी कैसी हो रही है, इसने गाइस कलर लगा रखा है बालों में और ये पूरे माथे पे लग गया तेरे। खड़ी हो चल, केक काटेंगे। काटेंगे हाँ, ए खुशी क्या काटेंगे, केक खड़ी हो, हैप्पी बर्थडे बोल नंदनी को, ले हैप्पी बर्थडे। पहले ये माथा साफ कर, इसने ना कलर लगाया था और कलर लगा के सो गई बालों में। तो गाइस ये जो केक का सरप्राइज था, ये प्रिंस क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दोबारा करियो दोबारा करियो, क्या कुछ ये केक का सरप्राइज ना प्रिंस ने करा दिया है, मतलब केक प्रिंस लेके आया था और खुद ही सो गया है। थैंक यू मम्मी, मुंह से निकल बोलो, मुंह से मतलब मुंह गाड़ के बोलो मम्मी हैप्पी बर्थडे। तो गाइस अब होगा इसका केक, अब होगा इसका केक कट करेंगे और सारा ना ऐसे फैला पड़ा है, तो आप ये मत सोचना क्योंकि सब सो गए थे और हम तो नीचे सोते हैं हमेशा और ऊपर से हम सो रहा है, प्रिंस जग गया, नींद में बड़बड़ा रहा था। खुशी बैठ जा, आ जा, चक चक उसमें रखा है, देखिए जरा पन्नी में होगा और माचिस का है जवाब। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। चक्कू वाला के खाऊंगे जल्दी बैठो। Happy birthday to you। मम्मी बैठ जाओ, लेटे लेटे बर्थडे बना रही, देखो लोनिया का। अब भी बनाती रहेगी ना, तो देखेगी सही से हो जाएगा। अब नंदनी केक काटे तो उसे वीडियो व्लॉग बनाना ही पड़ेगा। कोई ना कोई ना, सही लग रही हो तुम, ऐसे क्यों बोल रहे हो सही लग रही हो। चलो केक खाओ, चल रहे हैं उसको खवा। अरे तुम्हें खिलाओ पहले, थोड़ा सा खवा रही हूँ। नीचे में गया है खाली, कहाँ है का बड़ो रेस को दे देंगे अपने ही बुलाओ ले। हैप्पी बर्थडे खुशी नंदो, खुशी रहो। मतलब था मैंने इसे खिला, तुझे पता था कि मैं रात को करूंगी ऐसा कुछ करूंगी, ये एक प्रिंस की तरफ से पाई दे। हाँ क्या मैं से कल कह गिफ्ट करा तो करा, मेरा गिफ्ट नहीं है मेरा सरप्राइज है। वे क्या है मेरा सरप्राइज, पता चला ये है। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। चल कितने साल की होगी तू, 17 गाय 17 साल की हो गई है और लगती है लगती 17 साल की, 17 साल की लगती है, उससे भी बड़ी लगती है खुशी से। जी जो तू नो कहता है, पैदा ही नो हुई। जब भी कहीं तुम 18 साल की नहीं हो रही, जब भी सुनता 16 17 16 17, ये कह रही अब अगली साल हो जाऊंगी। तो चलो अभी
सब। तो अभी अब बनाऊंगी मैं सुबह व्लॉग, क्योंकि घर की भी हालत ऐसी हो रही है, पूरा फैला पड़ा है, और हम सबकी भी हालत ऐसी हो रही है। तो अब मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, क्या करते हैं हम, ठीक है। और तुझे कैसा लगा है बता दे। बहुत अच्छा, ऐसी शक्ल तो हो रही थी, शक्ल ऐसी हो रही है। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय अभी के लिए। मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई थी। तो गाइस इसकी फ्रेंड आई है और हमें रेडी भी नहीं हुई, ऐसी कैसी है, हमसे पहले ही आ गई। ये तो नहीं भी नहीं है। तो मॉर्निंग हो गई है, सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि मैंने रात ही व्लॉग बंद कर दिया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, बर्थडे वाली मॉर्निंग। तो अभी हम बस नहा के हम ताप रहे हैं पैर, देखो मेरा फोन लग गया। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे बाकी। और इसने सरप्राइज दे दिया है, नंदो की फ्रेंड है आरती ना, आरती। तो चलो बाकी आपको आगे दिखाऊंगी। गाइस मैं रेडी हो गई, मेरी ड्रेस, और ये दीदी एक खुशी से भूतली बनी हुई है। मेरे हाथ का फोन कैमरा इल्ला ऑर्डर करवा था, हाथ का ठंड लग रही है, हाथ लग का पानी बंद नहीं हो रहे। वैसे ठंड तो नहीं लग रही, पर डर लग रहा है। और जबकि जैकेट नहीं पहननी, इसके ऊपर से ड्रेस के ऊपर अपनी क्यों पहनो। चलो गाइस हम जाएंगे ना, तो हम आपको दिखाएंगे। बस रेडी हो रहे हैं फटाफट फटाफट। तो गाइस इस व्लॉग को अभी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत 12 मिनट का बन चुका है। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेशन कहाँ करा और कौन कौन आए थे, उसको क्या क्या गिफ्ट मिला, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी आज क्या है आज, और हाँ सबसे पहले आप सभी को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को, आपकी फैमिली को, आपको, आपके घर वालों को। हाँ कौन कौन है, वही तो तेरे दोस्त है। तो चलो गाइस अभी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को कितने बोल दे मैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू, हाँ आपके घर वालों को, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। फोटो ये प्रिंस के दोस्त है, ये मैं फोटो खिंचवाने आया हूं। तो ये सारे घूमने जा रहे हैं, तो ब्लॉग बना रहे हैं हम दीदी के पास। ओहो चलो अपना ब्लॉग बंद कर लेती हूँ, रुक जा। हाँ तो प्रिंस के फ्रेंड्स आए थे, तो मतलब उन्होंने मेरे साथ फोटो वगैरह खिंचवाए, तो उन सबको मैंने हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया। आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर, आपको परिवार को, आप कि ये वाला साल बहुत अच्छा जाए। जो भी अगर आपका पिछला साल बेकार गया हो, तो वो सारी मेमोरीज, बेकार मेमोरीज जो भी सारी हैं, वो आपको इस नए साल में सब भूल जाओ और अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाओ। और मेरी तरफ से आपको भी और आपके पूरे परिवार को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच।